इंतजार कर रहा है। देखो बच्चों, तुम्हारा प्यारा बालवीर आ गया अपनी जान गवाने। बालवीर, तुम यहाँ क्यों आए? वापस चले जाओ बालवीर। हाँ बालवीर, वापस चले जाओ। बालवीर वापस चले जाओ। हाँ वापस चले जाओ बालवीर जी। चिंता मत करो दोस्तों, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रचंडिका की नजरों के सामने से मैं तुम सबको बचा के यहाँ से ले जाऊंगा और उसे ऐसा दंड दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? बंद गया बालवीर। क्या बात, तुमने मुझे क्या कोई कच्चा खिलाड़ी समझ कर रखा है? मैं तुम्हें न्योता दूं यहाँ आने के लिए और तुम्हारी शक्तियों से मैं मार खाऊं? नहीं, यहाँ तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरे जादुई कालीन पर कदम रखते तुम्हारी सारी शक्तियां समाप्त हो गई है। ऐसे इस वक्त तुम मेरे सामने कोई साधारण बालक जैसे हो, जिसे मैं बड़ी आसानी से अपनी मुट्ठी में मसल कर समाप्त कर सकती हूँ। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारा अंत नहीं करूंगी। तुम्हें तो तड़पना होगा बालवीर, तड़पना होगा तब जाके मेरे मन को शांति मिले। परी, क्या बात है, बहुत चिंतित लग रही। ऐसे चिंता की तो बात है, क्योंकि आ गई है तुम्हारे प्यारे बालवीर के अंत की खबर। तुमने वो कहावत तो सुनी हो, 100 सुनार की एक लोहार। आज बुराई ने अच्छाई और सच्चाई को हरा ही दिया। आज होगी मेरी असली जीत और इस ऐतिहासिक घड़ी का जीवंत प्रसारण मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। प्रचंडिका, आज तक तुमने बहुत बुराई की है और हमेशा मुंह की खाई है, लेकिन आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। आज हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे जिसकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आत्मा
आत्मघाती विस्फोटक? ये तो रानी परी स्वयं को समाप्त करके प्रचंडिका का अंत करने जा रही है। इन विस्फोटक के फटते ही प्रचंडिका के साथ रानी परी का भी अंत हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रानी परी, रुक जाइए। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। नहीं भटकाती परी, हमें मत रोकिए। इस प्रचंडिका के पाप का घड़ा भर चुका है और इसीलिए हमें इसका अंत करना ही होगा। लेकिन रानी परी, इस आत्मघाती विस्फोटक से प्रचंडिका के साथ आपका भी अंत हो जाएगा। अगर हम बच्चों और बालवीर को नहीं बचा सकते तो हमें भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारे पास केवल एक ही उपाय है, हमें बच्चों और बालवीर को बचाने के लिए प्रचंडिका का अंत करना ही होगा। रानी परी, प्रचंडिका कोई मामूली मोम की गुड़िया नहीं है जो तुम्हारे विस्फोटकों से डर जाए। ऐसे कई विस्फोटकों को मीठी गोली समझकर गटक चुकी है प्रचंडिका। ये दुष्ट प्रचंडिका रानी परी को भड़का रही है और इधर रानी परी हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। हमें परियों को बुलाना होगा, शायद सब परियां मिलके रानी परी को मनाए तो रानी परी मान जाएंगी। आवाहन परियों, आवाहन। परियों, जल्दी से रानी परी को रोक लीजिए, वो आत्मघाती विस्फोटक से प्रचंडिका का अंत करने जा रही है। लेकिन इससे वो स्वयं भी जीवित नहीं रहेंगी। रानी परी, रुक जाइए। रानी परी, यदि आप जाएंगी तो हम सब भी जीवित नहीं रह पाएंगे। आपको सच्चाई और अच्छाई का वास्ता रानी परी, रुक जाइए। बच्चों और बालवीर को बचाने के लिए हमें प्रचंडिका का अंत करना ही होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका जीवित रहना रानी परी। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो बालवीर और बच्चों को ढूंढ निकालने का दूसरा उपाय हम खोज लेंगे। लेकिन अगर आप ही नहीं रहे तो हम सबकी हिम्मत भी चली जाएगी रानी परी। हाँ रानी परी। रानी परी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या आपके बलिदान से और प्रचंडिका की मृत्यु से हमारे बच्चे वापस लौट पाएंगे? हम सबका प्यारा बालवीर वापस लौट पाएगा? मैं आपसे विनती करती हूँ रानी परी, आत्मघाती कदम मत उठाइए। शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए, इस समस्या का कोई ना कोई हल हमें जरूर मिल जाएगा। क्या हुआ रानी परी, डर गई? परीलोक की सबसे बड़ी शक्ति डर गई। तुम यहाँ आ जाती तो सच्चाई और अच्छाई का पूरा अध्याय एक साथ समाप्त कर देती। किन चलो, कोई बात नहीं, पूरा अध्याय ना सही लेकिन एक पन्ना ही सही, और वो भी कोई ऐसा वैसा पन्ना नहीं, सच्चाई और अच्छाई की किताब का सबसे खास पन्ना। तुम सबका चहिता बाली। बेचारा बस चंद सांसें ही बची हैं उसकी। लो, तुम सब भी उसके आखिरी दर्शन कर लो। परियो, स्मिता जी, आपने हमें रोक तो लिया है लेकिन इस संकट से बाहर निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। ऐसा मत कहिए रानी परी, आप तो परीलोक की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप ही ऐसा कहेंगी तो हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? हाँ रानी परी, सोचिए, कोई तो उपाय होगा आपके पास। हाँ
हाँ परियो, एक उपाय है हमारे पास। स्मिता जी, आप तो माँ अंबे की भक्त हैं, पर माँ अंबे तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने तो प्रचंडिका से भी बड़े असुरों का संहार किया है, और इस समय माँ अंबे ही बालवीर को बचा सकती हैं। स्मिता जी, आप सब मिलकर प्रार्थना कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि माँ अंबे आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। लेकिन हम साथ कहाँ हैं? मेरे बच्चे तो कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को। बस आप अपने मन में श्रद्धा का दीपक जलाइए और माँ अंबे के सामने अपने शीश को झुका दीजिए। जाइए स्मिता जी। स्मिता, रानी परी ठीक कह रही है, हम माता की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। संसार की माँ है ना, एक माँ का दुख तू नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? तू अपने भक्तों की रक्षा करती है ना, आज तेरी ये भक्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में है। अगर मैंने मन वचन और काया से तेरी सेवा की है तो मेरे बच्चों की रक्षा कर माँ, और प्रचंडिका जैसी बुराई का अंत कर। बोलो श्री अम्बे मात की जय। तेरी पुकार से पूरा देवलोक डोल गया है। बोल बेटी, ऐसी क्या विपदा आन पड़ी है तुझ पर कि तेरी आंखों से गंगा जमुना बह रही है? माँ, आप तो अंतर्यामी है, अपने भक्तों का दुख समझती है। मेरे बच्चों को बचा लो माँ, और इस दुष्ट प्रचंडिका का नाश करो माँ। बेटी, बालवीर और बच्चों को कुछ नहीं होगा। जा और दिखा दे उन बुरी शक्तियों को कि एक माँ जब अपने बच्चों की सुरक्षा पर आती है तो उनके सामने कोई नहीं टिकता। मैं? लेकिन माँ मैं कैसे? अपने आप पर संशय मत कर बेटी, मेरी शक्तियाँ तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जाओ विजयी भव, अपना हाथ आगे करो
तो साक्षात देवी, अगले तुबा तुबा नहीं तो तेरी खैर नहीं था। ये कैसा चमत्कार है, इतनी दैवीय शक्ति कहां से आ गई इस औरत में? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.